दोस्तों, अगर आप कोई YouTube चैनल ओपन करने की सोच रहे हैं या फिर आप अपने YouTube जर्नी के शुरुआती दौर में हैं, तो कुछ ऐसी सावधानियां होती हैं जो आपको बरतनी चाहिए अपने चैनल पर, जिससे आपका चैनल काफी तेजी से ग्रो करेगा और अच्छे तरीके से बूस्ट भी मिलेगा आपके चैनल को। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे 8 यूजफुल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अगर आपका चैनल नया है या फिर आप अपना चैनल ओपन करने की सोच रहे हैं और इन 8 पॉइंट्स को लेकर के आप काम करते हैं तो आपका चैनल 100% ग्रो करेगा काफी तेजी से और एक साल पूरा होते होते आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं एवन टेक्नोलॉजी, आइए कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर यूट्यूब पर कैसे ग्रो करना है इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोज अपलोड होती रहती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहली टिप है वो ये कहती है कि अगर आप कोई यूट्यूब चैनल ओपन करने की सोच रहे हैं या अभी आपने हाल फिलहाल में ही अपना कोई यूट्यूब चैनल ओपन किया है जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, जिस पर आप वीडियोज वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो यूट्यूब चैनल आपने वैसे ही ओपन किया है वैसे ही उसी दिन से आपको एक प्रण ले लेना है, एक कसम खा लेनी है कि आपको अपने चैनल पर कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर बने रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज वीडियो डाली फिर एक हफ्ते तक आप गायब हो गए या फिर एक महीने तक आप गायब हो गए, फिर कभी मन किया तो डाल दी वीडियो, कभी मन नहीं किया तो नहीं डाली। तो इस तरीके से आपको काम नहीं करना है, पूरी तरीके से आपको अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, क्योंकि इस बात को समझ करके चलिए कि ये एक सोशल मीडिया इंडस्ट्री है। यहां पर अगर आप 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए गायब हो जाते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं, लोग आपको फॉलो करना छोड़ देते हैं, लोग आपके चैनल से क्विट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको अपने चैनल पर कंसिस्टेंट होकर के काम करना है, रेगुलरिटी के साथ काम करना है। जो भी आपने टाइम डिसिप्लिन बनाया है कि आपको डेली वीडियो अपलोड करनी है तो डेली आपके चैनल पर वीडियोस आनी चाहिए। अगर आपने टाइम डिसिप्लिन बना रखा है कि आपको हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड करनी है तो हर हफ्ते आपकी 3 वीडियोस आनी ही आनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपनी सेकंड टिप की ओर। तो दोस्तों, जो सेकंड टिप है वो ये कहती है कि कभी भी आपको अपने से बड़े यूट्यूबर से कंपैरिजन नहीं करना है। आप उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनसे इंस्पायर हो सकते हैं कि वो वीडियोस कैसे बना रहे हैं, वो थंबनेल्स कैसे बना रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कभी भी आपको उनसे कंपैरिजन नहीं करना है कि उस यूट्यूबर की लाइफ स्टाइल ऐसी है, उसके पास ऐसी गाड़ी है, उसके पास एप्पल के ये प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह की चीजों से आपको कंपैरिजन नहीं करना है, अदरवाइज आप डिमोटिवेट होते चले जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे और आपका जो फोकस है वो आपके कॉन्टेंट और आपके चैनल से हट जाएगा और आपका दिमाग में सिर्फ यही बातें चलती रहेंगी कि कैसे मैं उस यूट्यूबर की तरह बन जाऊं। लेकिन इस बात को आप समझ करके चलिए कि अगर कोई यूट्यूबर सक्सेसफुल हुआ है, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हुई है, उसके पास तरह तरह की गाड़ियां आ गई हैं, उसके पास तरह तरह के एप्पल के प्रोडक्ट्स आ गए, तो वो एक दिन में नहीं आया है। सामने वाले बंदे ने भी बहुत मेहनत करी है, जीरो से स्टार्ट किया था, बहुत सारा स्ट्रगल किया है, तब जाके आज वो इस मुकाम पर पहुंचा है। तो अगर आप भी अपने ड्रीम यूट्यूबर की तरह बनना चाह रहे हैं तो आपको भी उन्हीं स्ट्रगल से होकर के गुजरना होगा, आपको भी वो सारे चैलेंजेस फेस करने होंगे। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अपने से बड़े यूट्यूबर से कंपैरिजन ना करें, उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। बात करते हैं थर्ड टिप की। तो दोस्तों, जो थर्ड टिप है वो ये कहती है कि आपको अपनी वीडियो का SEO हमेशा प्रॉपर तरीके से लिखना है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन वगैरह काफी अच्छे तरीके से लिखना है। टाइटल में हमेशा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करने हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आपको नहीं यूज करना है। डिस्क्रिप्शन को आपको हमेशा SEO फ्रेंडली बनाना है, टाइटल जो होता है आपका उसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लिखना है, फिर उसके बाद अपने चैनल का नाम लिखना है हैशटैग के साथ, फिर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ 5-6 टैग्स लगाने हैं, फिर आपको वीडियो से रिलेटेड ही कुछ 5-6 कीवर्ड्स लगाने हैं। ज्यादा कीवर्ड्स आप वहां पर मत भरिए, मिसलीडिंग मेटा डाटा वगैरह मत भरा करिए, क्योंकि इससे आपके चैनल को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, आपका चैनल डिलीट भी हो सकता है, टर्मिनेट भी हो सकता है और मोनेटाइज तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मिसलीडिंग मेटा डाटा की वजह से आपका चैनल मोनेटाइजेशन से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपने SEO पर भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है और हमेशा यह कोशिश करनी है कि आपके वीडियो का SEO 80% से ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी चौथी टिप की ओर। तो चौथी टिप यह कहती है कि जब आप शुरुआती दौर में होते हैं तो आपको हमेशा अपनी वीडियो का जो ऑडियो होता है वो हमेशा सुपीरियर क्वालिटी का रखना है, कभी भी ऑडियो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं अपनी वीडियो के, उसके वॉल्यूम को काफी ज्यादा तेज कर देते हैं और जो खुद की वॉल्यूम होती है वो दब जाती है, वो बैठ जाती है। तो आपको अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको हमेशा 13, 14 या 15 डेसिबल तक रखना है और जो अपनी आवाज होती है, जो खुद की आवाज होती है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हाई करके रखना है हमेशा। अगर आपका वॉल्यूम लो हो गया और आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम हाई हो गया तो लोग आपकी वीडियो को पसंद नहीं करेंगे। एक बार आपके थंबनेल को देखकर आपकी वीडियो तक पहुंच जाएंगे लेकिन आपकी वीडियो को पसंद नहीं करेंगे तो जो आपके सब्सक्राइबर्स जुड़े भी होंगे वो भी आपसे इरिटेट हो जाएंगे और वो भी आपको छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। तो आपको अपनी वीडियो का ऑडियो हमेशा सुपीरियर क्वालिटी का रखना है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं पांचवी टिप की। तो पांचवी टिप ये कहती है कि आपको अपने ऑडियो क्वालिटी के साथ साथ अपनी वीडियो क्वालिटी को भी इनहेंस करना है, उसको भी सुपीरियर क्वालिटी का रखना है। ठीक है, और इसके लिए आपको किसी प्रकार के कैमरे वगैरह की जरूरत नहीं है, आप अपने सस्ते मोबाइल से ही अपनी वीडियो क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको बस कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपके रूम में लाइट वगैरह कम है तो आप बहुत सारे सस्ते सस्ते CFLs आते हैं तो CFL वगैरह आप लगा सकते हैं जिससे आपकी वीडियो में रोशनी अच्छी खासी बढ़
फंस जाएगी। और साथ ही साथ जब आप अपनी वीडियो को शूट कर लेते हैं, उसको एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाते हैं, तो वहां पर आपको अपनी वीडियो का ब्राइटनेस बढ़ा देना है और कॉन्ट्रास्ट भी थोड़ा सा हाई कर देना है। इससे क्या होगा कि उससे आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी छठी टिप की ओर। तो छठी टिप ये कहती है कि हमेशा आपको शुरुआती दौर में इजिएस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना है, जैसे कि काइन मास्टर हो गया, पावर डायरेक्टर हो गया, इनशॉट हो गया। इस टाइप के इजिएस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर को आपको यूज करना है, क्योंकि ये सभी सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है और इसमें आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसमें मकड़ जाल नहीं है कि आपको कोई परेशानी होगी कि कौन सा टूल कहां काम करता है, कैसे काम करता है। तो ये सब आप इन सभी सॉफ्टवेयर्स में बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो जब भी आप शुरुआती दौर में रहें तो आप इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स पर काम करें, ताकि आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से एडिट कर पाएं। बात करते हैं सेवंथ टिप की। तो दोस्तों, जब आप यूट्यूब की जर्नी में शुरुआती दौर पर होते हैं तो आपको थोड़ा सा सोशल भी होना चाहिए, मतलब कि आपका अकाउंट ट्विटर पर भी होना चाहिए, टेलीग्राम पर भी होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर भी होना चाहिए, फेसबुक पर भी होना चाहिए और फेसबुक पेज वगैरह भी आपका होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अपनी वीडियोस को शेयर करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो लोग आपसे कनेक्ट होंगे। और जब तक आपसे लोग कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आपकी YouTube फैमिली आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है कि कोलैबोरेशन भी करना है। और कोलैबोरेशन आपको हमेशा अपने लेवल वाले, अपने नीच वाले बंदों के साथ कोलैबोरेट करना है। उससे क्या होता है कि जब आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, तो जो सामने वाले यूट्यूबर के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो आपके चैनल पर आते हैं, और जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स होते हैं वो सामने वाले यूट्यूबर्स के पास जाते हैं। इससे आपको हमेशा एक्टिव सब्सक्राइबर्स मिलते हैं अपने चैनल पर, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपनी 8th टिप की ओर। तो दोस्तों, जो 8वीं टिप है वो ये कहती है कि आपको कभी भी नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपके वीडियो में नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उसको भी आपको पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्स करना है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब आप एक नया यूट्यूबर होते हैं, नया नया काम करना स्टार्ट करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। आपको पसंद कब करते हैं? जब आप निरंतर काम करते रहते हैं, जब आपका चेहरा निरंतर दिखता रहता है, जब आपके कॉन्टेंट्स निरंतर उस प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते रहते हैं, तब धीरे 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 लोग आपको पसंद करना स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत में थोड़ी सी अवहेलना झेलनी पड़ती है, थोड़े से नेगेटिव कमेंट झेलने पड़ते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आ जाती है। तो अगर आप नेगेटिव कमेंट्स को लेकर के बैठ जाएंगे, दिल से लगा करके बैठ जाएंगे, तो आप एकदम डिमोरलाइज हो जाएंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। कोई गाली बकता है, बकने दीजिए, कोई कुछ कहता है, कहने दीजिए। आपका काम है काम करना, आप काम करते रहिए, किसी की बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक रही नेगेटिविटी की बात, तो लोग यहां भगवान को नहीं छोड़ते हैं, अपने माता पिता को नहीं छोड़ते हैं, तो हम और आप क्या चीज है। तो दोस्तों, आपको कभी भी नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है। तो दोस्तों, अगर आप इन 8 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, अपने चैनल पर इंप्लीमेंट करते हैं, और अगर आपका चैनल नया है, तो मैं आपको गारंटी लेकर कहता हूं कि आपका चैनल काफी तेजी से बूस्ट होगा और काफी अच्छे तरीके से ग्रो भी करेगा। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। आज के बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स और व्यूज जरूर ड्रॉप कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू।